हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। केबीएस पीआरटी रिजल्ट अपडेट के बारे में आपको जानकारी देनी है और ये जो सोर्स है वो कम्प्लीटली ऑफिशियल सोर्स है जहां से ये इन्फॉर्मेशन आई हुई है। बाय द वे मैं आपको बता दूं, अगर बीएड और बीटीसी विवाद में आप अपने रिश्ते खराब कर रहे हो तो आप लोगों को एक छोटा सा सजेशन है, प्लीज़ डोंट, मत करो। आप ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सरकारें जो भी फैसला लेगी एंड ऑफ द डे आपको, हमको, हम सभी को ये फैसला को क्या करना होगा, स्वीकार करना होगा। तो प्लीज़ आपस में लड़ाई झगड़े करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्ट्रीम बीएड है, आपने बीएड से जो है केबी में एग्ज़ाम दिया था और आपके कितने नंबर बन रहे हैं नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप बीटीसी वाले हो तो बीटीसी से आपका जो है कट ऑफ कितना बन रहा है, आई मीन आपके जो नंबर है, स्कोर है, वो क्या बन रहा है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब बात करते हैं केबीएस ने बीएड और बीटीसी विवाद पर क्या कहा है, रिजल्ट आपको कब तक देखने को मिलेगा, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ से देख लीजिए, प्रतीक सिवालिक, आप नाम आपने सुना ही होगा, इनके द्वारा इनके एक स्टूडेंट के द्वारा जो है आरटीआई लगाई गई थी। अब यहाँ से देख सकते हो आप, मैं आपको सीधा सीधा दिखाता हूँ, यहाँ पर रिप्लाई है। बाकी सारी चीज़ें एज ऑफ नाउ कुछ ज़्यादा वैलिडेशन रखती नहीं है। 30/8/2023 यानी कि 30 अगस्त को जो है ये एक्शन लिया गया है। क्या लिया गया है, यहाँ से देखो, इस साथ वेट देखो, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि रिजल्ट जो है ना, वांछित पद की भर्ती प्रक्रिया क्या है, प्रक्रियाधीन है, यानी कि प्रोग्रेस में ये है। इस स्तर पर कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकती है। पहले इन्होंने जो है इसको एक्सट्रीमली जो है नल एंड वायलेट कर दिया। आगे देखिए, दूसरी बात, इस संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के विज्ञापन संख्या 16/2022 दिनांक 2/12/2022 के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को पीआरटी हेतु आवेदन प्रक्रिया में मौका दिया गया था, लेकिन इन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि बीएड वाले 1-5 के लिए एलिजिबल नहीं है। तो पीआरटी के लिए एज ऑफ नाउ बीएड वाले तो कम्प्लीटली निकल चुके हैं, केबीएस में इनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। इनका मतलब कि जितने भी बीएड के कैंडिडेट हैं, एस्पिरेंट हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होगा, ये बीटर ट्रूथ है। और आगे यहाँ से देख लो आप, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का जो निर्णय आया है 11/8 को, बीएड को जो है शैक्षणिक योग्यता प्रदान नहीं की गई है। तो ऐसे में आगे जो है ये फैसला मानते हुए पीआरटी पद की अग्रिम जो प्रक्रिया है उसे फॉलो किया जा रहा है, यानी कि सिर्फ बीटीसी वाले को जो है यहाँ पे रिजल्ट के लिए आगे प्रोसेस लिया जाएगा। यहाँ पे इन्होंने देखिए 3-4 क्वेश्चन शूट किए थे, इसका जवाब जो है दिया गया है। अब बात आती है कि पीआरटी का रिजल्ट, मैं आपको बताऊं कि विद इन मंथ आपको जो है ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा, दुर्गा पूजा से पहले, दुर्गा पूजा के पहले, इसलिए क्योंकि दुर्गा पूजा के बाद एक लंबी छुट्टी होती है। तो ऐसे में अगर दुर्गा पूजा से पहले रिजल्ट आ जाता है तो दैट्स गुड, अदरवाइज आपको जो है और समय थोड़ा सा वेट करना होगा। जब तक छठ वाली छुट्टियाँ खत्म नहीं हो जाती तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। जो रियलिटी है, जो बिटर ट्रूथ है, मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। बाय द वे, आपको जैसा लगा हो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइएगा। वीडियो यहाँ तक अगर आपने देख ली है तो जय हिंद जरूर लिखिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।